हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं आपके अपकमिंग सी टेट के लिए, उसका नाम है टाइम। टाइम शब्द आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए यहां से हर बार एक या दो क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता है, दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, दोनों अलग अलग टाइप से। तो आज हम पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये टॉपिक। इसमें तीन तरह के सवाल हम पढ़ेंगे। पहला, समय के इकाई का योग और अंतर। दूसरा, समय के एक इकाई से दूसरे इकाई में बदलना। और तीसरा, किसी निश्चित समय पर कोण ज्ञात करना। ये तीन, तो यहाँ पर ये तीन टाइप बनते हैं। अगर समय आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो यहाँ पर तीन तरह के सवाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे पूछ सकता है। इन दो से हमेशा सवाल आते हैं। समय की इकाई का योग अंतर मतलब किसी समय से किसी समय को घटाना या जोड़ना, जो आप करते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, समय के एक इकाई से दूसरे इकाई में बदलना, जैसे घंटे से मिनट में, मिनट से सेकंड में, कितने सप्ताह में, कितने सेकंड में, इस तरह का सवाल भी आपने किया हुआ है। और तीसरा, समय पर कोण ज्ञात करना। आपको पता होगा कि समय की अगर बात की जाए तो एक घड़ी की बात की जाती है, और घड़ी को हम एक वृत्ताकार आकृति में मानते हैं। एक वृत्त के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है, तो एक निश्चित समय पर कितना कोण घेरा गया है, इस तरह के सवाल बनते हैं। आपके एग्जाम में नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहां से लेते हैं ये वाला टाइप पहले, ठीक है। चलिए, समय की इकाई का योग अंतर, इसको समझने के लिए जो आप रियल लाइफ में टाइम यूटिलाइज करते हैं या आप जानते हैं, उसी को थोड़ा सा समझना है। आप बताइए, अगर 13:17 हो रहे हैं, है ना, तो अगर 13:17 में 12 घंटे जोड़ दूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा? यही टाइम। यही टाइम का मतलब क्या है? 3:17 का देख लीजिए, 3:17 में 12 जोड़ेंगे आप, तब भी मुझे क्या मिलेगा? 3:17। अगर बात एएम और पीएम की नहीं है, 12 घंटे वाली अगर घड़ी है, तो 3:17 के बाद अगला 3:17 कब बजेगा? 12 घंटे के बाद। आप समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि रात में 12 बजे बजे हैं। 12 बजे रात से अगर 12 घंटे आप घूम जाएंगे तो सुबह के 12 बज जाएंगे, और सुबह के 12 बजे से 12 घंटे घूम जाएंगे तो रात के 12 बज जाएंगे। इसका मतलब है, अगर एएम और पीएम की भूमिका नहीं है, दो समय के बीच आपको अवधि बतानी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वही समय 12 घंटे के बाद रिपीट कर जाता है। बात अगर एएम पीएम की भी आ गई, तो जैसे 3:17 एएम है, इसमें मैं 12 घंटे जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3:17। लेकिन ये 3:17 क्या मिलेगा? पीएम। फिर इसमें मैंने 12 घंटे जोड़ दिया तो मुझे फिर 3:17 पर मिलेगा, लेकिन ये क्या मिलेगा? एएम का। और ये बात आप भी समझते हैं कि 3:17 से 3:17 एएम का सवा, मतलब 3:17 सुबह के, और अगला 3:17 सुबह का कब आएगा? 24 घंटे के बाद, है ना। तो यहां से आपने ये बात समझी कि वही समय 12 घंटे के बाद रिपीट हो जाता है। लेकिन बात अगर थोड़ा सा सुबह और शाम की करूं, तो एक निश्चित समय में अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो वही समय मिलेगा, लेकिन एएम से पीएम बन जाएगा, और वही समय उसी निश्चित समय उसी पल चाहिए। 3:17 अगर सुबह का है, और अगला 3:17 सुबह का कब बनेगा? जब 24 घंटे पूरा घूमेगा। एक बात तो ये, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस समझनी है, ठीक है। तो आइए, सवाल से ही मैं आपका परिचय करवाता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 11 घंटे 60 मिनट,
लिख सकता हूँ 11 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और फिर 15 मिनट। तो 11 घंटे यहाँ रख देता हूँ और 60 मिनट यहाँ देखो, तो 60 और 15 75 मिनट। आप बताइए ये और ये एक ही बात है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपने थोड़ा सा बदल दिया है। 12 घंटे 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 11 घंटे 75 मिनट। तो इस तरह की चीज़ें मैं अपने अनुसार कर सकता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा एक घंटे में 60 मिनट, ये हम दूसरे टाइप में पढ़ेंगे, तब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब तक आप इतनी सी बात जानिए। आइए फिर सवाल से मैं आपको समझाता हूँ, लिखिए अगला सवाल। आइए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। यदि सोमवार को 4:45 PM से 4:45 PM चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यदि सोमवार को 4:45 PM है से मंगलवार को 6:34 AM तक गिना जाए तो कितना समय बीत चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक, अगर आप इकाई से इकाई का जोड़ घटाना समझते हैं और उसमें कंफर्टेबल है तो बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। अगर आप नहीं समझते और आप कंफ्यूज हैं तब मैं आपको बताता हूँ कि बचपन में जो हाथों में आप कैलकुलेट करते थे वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल देखकर आपको समझ में आ रहा है कि 4:45 अगर PM से दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो घड़ी है ये 12 घंटे वाली है ना। इस बात को आप समझिए कि इसमें वो समय 12 घंटे के बाद आ रहा होगा, है ना। 4:45 अगला कब दिखेगा? 12 घंटे के बाद, है ना भाई। अगर ये 12 घंटे वाली ना होती, 24 घंटे वाली होती तो 4:45 ना लिखा होता, फिर यहाँ पर क्या होता? 16:45, ठीक है, फिर PM ना देता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आएंगी, आती हैं, मैं मान के चलता हूँ। चलिए तो कैसे करेंगे? देखिए पहला तरीका तो है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप मुझे बताइए सोमवार का 4:45 PM मतलब सोमवार को 4:45 शाम के हो रहे हैं, अगर इसमें मैं 12 घंटे जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 12 फिर 4 आएगा 4:45, लेकिन आपने बताया कि क्या हो जाएगी? PM से AM हो जाएगा, और शाम के बाद जब सुबह होगी तो दिन क्या लग जाएगा? मंगलवार। आप जानते हैं कि एक घंटे के बाद, है ना, एक घंटे के बाद, एक घंटे अगर पूरा घूमूंगा तो मिनट में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 घंटा और ले लूँ तो 4:45 AM के बाद 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 6:45 AM। इसका मतलब 4:45 PM से 6:45 AM तक कितना हो गया? 14 घंटे, है ना। इतना तो आप मौखिक आ सकते हैं। तो 4:45 PM से 6:45 AM तक आने में 14 घंटे हो गए। आप मुझे बताइए 6:45 से थोड़ा कम है, 6:34 ही है, इसका मतलब ऑप्शन में जो 14 से थोड़ा मतलब 13 घंटे समथिंग में हमारा उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। तो यही हमारा उत्तर है। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ चले गए? 6:45 पे। हमें बताना है 6:34, मतलब 11 मिनट ज़्यादा पे आ गए। तो 14 घंटे में अगर मैं 11 मिनट घटा दूँ तो क्या मिलेगा? 14 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 घंटे 60 मिनट माइनस 11 मिनट, तो 13 घंटे
60 मिनट में 11 मिनट जाएगा तो कितना बचेगा, 49 मिनट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो अगर आप ये समझते हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, बड़े आसानी से हमारा जवाब आ गया। अगर आप ये चीज़ भी नहीं समझते हैं तो फिर हल कर लीजिए। आइए तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, हमें उत्तर तो पता चल गया है ना, ये है 13 घंटे 49 मिनट। करेंगे कैसे वो आप देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ मिनट ना होता, मान लीजिए यहाँ पे होता भाई 4 बजे सोमवार से मंगलवार को 6 बजे बताओ, है ना, तो आप 4 से 6 बजे बता देते 14 घंटे। बताया कहते 6 में आपने 4 को घटा दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप सोमवार को इस अवधि से मंगलवार को इस अवधि तक समय ज्ञात करना चाहते हैं, तो समय अंतर कितना आया, समय अंतर आया 6:34 AM माइनस 4:45 PM, है ना। इसका मतलब 6:34 से आपको क्या घटाना है, 4:45, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 14 में 5 गए 9, है ना, और 13 में 4 गए, 14 में 5 गए 9, 12 में 4 गए 8, है ना, और 5 में 4 गए 1। आप कभी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये घंटा दिखा रहा है और ये मिनट दिखा रहा है, दोनों की इकाई अलग अलग है इसलिए दोनों ही अलग अलग घटेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि मिनट में 34, मिनट में 45 मिनट हम घटा रहे थे, तो यहाँ से हम क्या लेंगे कैरी, तो ये घंटा कैरी आ रहा है, पूरा एक घंटा कैरी आएगा, और एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट। इसका मतलब 34 मिनट में 60 मिनट मिल गया है, है ना, तो ये कितना बन गया भाई, 6 में एक घंटा चला गया तो 5 घंटे हो गए, और 34 में 60 मिनट और आ गया तो 60 30 90 4 94, और नीचे क्या 4:45 घटा दीजिए, 14 में 5 गए 9, 8 में 4 गए 4, और अब 5 में 4 गए 1। तो आपने जब घटाया तो आपको क्या मिला, 1:49, है ना। अब हमारा उत्तर तो 13 घंटे पे आ रहा था, यहाँ पर 1:49 दिखा रहा है, तो ये क्या है, ये आप देखिए आपकी ये इकाई समान नहीं है, एएम से पीएम वाला मैटर भी है। मैंने आपको कहा कि 1 घंटा अगर 49 मिनट है और ऑप्शन में तो था नहीं, तो इसमें आप क्या जोड़ लीजिए, 12 घंटे, है ना। 12 घंटे के बाद भी संख्यात्मक वही समय दिखाई देगा, तो जब 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 घंटे 49 मिनट, और यही हमारी अवधि थी, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, कहाँ 12 जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और क्यों जोड़ना है, ठीक है। या आप इस बात को यहीं से देख के समझते हैं कि 4:45 PM शाम का है, 6:34 सुबह का है, तो 12 घंटे के बाद ही वो समय आ रहा होगा, ठीक है। किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो एक तरीके से और आप समझ लीजिए, सोमवार को 4:45 PM से 12 घंटे बाद क्या होगा, 4:45 AM, और ये आ जाएगा मंगलवार का, है ना। और अब मंगलवार को ही क्या बताना है, 6:34 AM तक का सवाल, इसके बीच का समय अंतर, तो घटा दीजिए 6:34 में से 4:45, जैसा कि हमने अभी घटाया था, यहाँ से एक घंटा गया मतलब 60 मिनट, तो 60 30 90, यहाँ क्या हो गया 94, यहाँ क्या हो गया 5, 14 में 5 गए 9, 8 में 4 गए 4, 5 में 4 गए 1, तो यहाँ पर कितना लगा, 1 घंटे 49 मिनट। तो पहले 12 घंटे 4:45 शाम से सुबह 4:45 तक 12 घंटे लग गए थे, और 1 घंटा 49 यहाँ से यहाँ, तो कितना हो गया टोटल 12 घंटे और एक 13 घंटे, 13 घंटे 49 मिनट, ठीक है। आप सोचेंगे सर एक ही चीज़ को आप बार बार क्यों बता रहे हैं, मैं एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि पहले सवाल ही आपको समझना है, बाकी सब सवाल तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल था, अगला सवाल लेते हैं। मतलब इसके लिए कोई
फिक्स फॉर्मूला नहीं है, फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल लेता हूं मैं, अब बड़े आसान सवाल है, जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। आइए, यदि यदि समय अब 1:23 AM है, 1:23 AM है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट बाद क्या समय होगा? चलिए बताइए जल्दी, चलिए आइए, कम ऑन जल्दी बताइए। देखिए आपके सीटेट में कभी इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होता है कि दो ऑप्शन में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक ही हो और एम पी एम हो, ऐसा आप में नहीं होता है। अगर आता भी है तो मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो यदि समय अब 1:23 AM है, AM का मतलब सुबह के 1:23 हो रहे हैं, और अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट बाद क्या समय होगा, है ना? देखिए आप इस बात को समझते हैं कि 1:23 सुबह के हैं, और अगर 11 घंटे 59 मिनट बाद पूछ रहे तो एम किस में बदल जाएगा? पीएम में। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, है ना? इतना सोचते ही, अगर आप इतना सोच लेते हैं तो, नहीं तो हम तो पूरा उत्तर निकालेंगे भाई। हम जा रहे हैं कि यदि अब 1 बज रहा है तो इतने बजे बाद समय और ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ना है तब आपको दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ आप कैसे भी सकते हैं, जोड़ने में कभी गलती नहीं होगी। 1:23 हो रहे हैं एएम के, है ना, इसमें आप जोड़ रहे हैं 11 घंटे 59 मिनट, जोड़ दीजिए, 9 3 12, 5 2 7 और 1 8, 11 और 1 12, कैरी मत फेंक दीजिएगा, ये मिनट है और ये घंटा है। 82 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस 22 मिनट, 60 मिनट इधर आएगा तो एक घंटा बन जाएगा, तो 12 और 1 13, 13 और यहां क्या बचा, 22, है ना? तो इसका मतलब है कि 1:23 जब सुबह के हैं तो उसके 11 घंटे 59 मिनट बाद क्या बज रहा होगा, 13:22, और 13:22 को हम बताते हैं कि 1:22 ही बज रहा है, लेकिन दोपहर का बज रहा है, तो 1:22 PM कहें या 13:22 कहें, एक ही बात है। तो ये हमारा सही उत्तर है, है ना? बस आपको कैरी वाला ध्यान में रखना है, मिनट से मिनट की तुलना होगी, घंटे से घंटे की तुलना होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, आइए, विकास रेलगाड़ी से (9:13 PM) पर बैठा और गंतव्य स्थान पर अगले दिन 6:05 AM पर पहुंचा, तो विकास ने कितने समय यात्रा की? पहला ऑप्शन 7 घंटे 45 मिनट, दूसरा ऑप्शन
9 घंटे 51 मिनट, सी ऑप्शन 8 घंटे 52 मिनट, और चौथा ऑप्शन 9 घंटे 8 मिनट। चलिए बताइए, विकास रेलगाड़ी में 9:13 पीएम शाम को बैठ रहा है और गंतव्य स्थान पर अगले दिन 6:05 एएम पर पहुंचा, तो विकास ने कितने समय यात्रा की, है ना। देखिए पहली बात तो है कि ऐसे सवालों पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो पेन को ज़्यादा ना चलाएं, है ना। आप समझते हैं इस बात को कि 9:13 से अगला घंटा क्या आएगा, 10:13, फिर 11:13, 12:13, 14:15, 16:17, 18:19, है ना, ऐसे ऐसे। तो आप मुझे बताइए कि 9:13 पीएम से अगर मैं रात की बात करूं तो 9:13 रात से सुबह के 6:13 तक का समय आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10, 11, 12 और इधर 6, है ना। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि 9:13 पीएम से 6:13 एएम तक का, तो 9, 3, 12 और 6 कितने, पूरे के पूरे 9 घंटे हो रहे होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो 9:13 रात से अगर मैं 6:13 सुबह की बात करूं तो पूरे के पूरे 9 घंटे हो रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या बताना है 6:05 तक, इसका मतलब मैंने 8 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं। तो 9 घंटे में यदि 8 मिनट घटा दूं तो 8 घंटे 52 मिनट, यही हमारा क्या होगा उत्तर। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को, बड़ी आसानी से बात है कि 9:13 रात के हो रहे हैं, 6:13 सुबह तक अगर मैं कैलकुलेट करूं, भाई मिनट्स वाला मिनट के बराबर है, है ना। 9:13 से एक घंटे बाद 10:13 ही आएगा, 10:13 से एक घंटे बाद 11:13 आएगा, हर एक घंटे बाद केवल घंटा बढ़ते जाएगा, मिनट वाला अपने स्थान पर बना रहेगा। तो 9 बजे से 6 बजे तक मैं गिन लेता हूँ, 9 घंटे हो रहे हैं पूरा, हमें 6:05 तक ही बताना है, मतलब यहाँ पर 8 मिनट ज़्यादा हो गए। तो 9 घंटे में अगर आप कुछ घटाएंगे तो 8 घंटे समथिंग आएगा, तो यही एक ऑप्शन में टिक कर दीजिए। इस बात को आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। अगले दिन यात्रा की है भाई 6:05 तक, तो 6:05 से हम किसको घटाएंगे, 9:13, यही घटाना है आपको सही उत्तर के लिए। भाई अगर मैं ये कह दूं कि विकास रेलगाड़ी में 9 बजे बैठा और अगले दिन, या मैं कह दूं 11 बजे उसी दिन पहुंच गया, मतलब रात में 9 बजे बैठा और रात में ही 11 बजे पहुंच गया, तब तो आप कहेंगे 2 घंटे लगे हैं, ये 2 आया कहाँ से, 11 में ही 9 घटा दिया। तो वैसे ही 9:13 शाम को बैठा है और सुबह 6:05 पर पहुंचा है, तो यात्रा कितना किया, इससे इसको घटाना होगा, यही हमारा उत्तर होगा। हम जानते हैं 6 घंटे में 9 घंटे नहीं जा पाएगा, तो हमें पता है कि ये 12 घंटे वाली घड़ी है, 9:13 पीएम लिखा हुआ है, 12 घंटे वाली है, तो हम इसमें 12 जोड़ देते हैं। अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो 12 6 18 5, भाई 18 5 भी क्या दिखा रहा है, इस 6:05 को ही दिखा रहा है ना। अब इसमें इसको घटा दो, अब 5 मिनट में 13 नहीं जा सकता है, तो मैंने इससे 1 घंटा कैरी ले लिया, 1 घंटा कैरी लिया, आया पूरा का पूरा 60 मिनट, तो यहाँ हो गया 17 मिनट और वहाँ 60 जुड़ गया, तो 60 5 65, नीचे 9:13, 5 में 3 गए 2, 6 में 1 गए 5, 17 में 9 गए 8, तो क्या आ गया जवाब, 8 घंटे 52 मिनट। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको समझ में आती है ये कैलकुलेशन, वो भी सवाल को देखकर ऐसे ही करता है, और मेरा मानना है कि ये तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास। आइए अगला सवाल, भारत में समय 7:43 पीएम था, तब
अमेरिका में समय, तब अमेरिका में समय अगले दिन का यदि अभी भारत में समय 8:17 AM है तो अमेरिका में क्या समय होगा बताइए। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, मैंने थोड़े से इसमें चेंजेस किए हैं, बताइए। तो पहला ऑप्शन है 1:17 AM, दूसरा है 3:05 AM PM, चलिए देखिए फिर से इस बात को समझिए कि 7:43 PM दिखा रहा है। 7:43 PM का मतलब है जो घंटे, मतलब जो घड़ी है वो 12 घंटे वाली है, ठीक है। केवल घंटों को दिया जाए तो आप समझते हैं कि घंटों से घंटों को तो आप मौखिक कर सकते हैं, घंटों के साथ मिनट इसलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल कर सकें। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि थोड़ा सा आप पेन को भी काम करने का मौका दें। भाई भारत में समय 7:43 PM है ना, तब अमेरिका में समय अगले दिन का 2:31 है। इसका मतलब अमेरिका की जो घड़ी है वो भारत की घड़ी से फास्ट है ना। मैं कह दूं कि भारत में समय जब रात के 9 बज रहे थे तो अमेरिका में कितने बजे थे, रात के 11। तो आप कहेंगे सर अमेरिका की घड़ी फास्ट है, मैं कहूँ कितने घंटे, तो आप कहेंगे 2 घंटे। कैसे आया, 11 में 9 को घटा दिया। तो जो नहीं समझते हैं वो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं अपने से, तो मतलब इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो पहले तो देख लें घड़ी में तेजी कितनी है भाई, तो हम करेंगे 2:31 से घटाएंगे 7:43, यही भाई दोनों की इकाई भी एक नहीं है, अगल बगल है, ठीक है। तो हम एक कर लेते हैं भाई, 2 घंटे में 7 घंटा तो घटेगा नहीं, तो मैं 12 बुलाता हूँ, 12 जोड़ देता हूँ इसमें, 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 12 2 14 31 - 7 43। मैं जानता हूँ कि 31 मिनट में 43 मिनट नहीं जाएगा, तो यहाँ से मैंने कैरी लिया, क्या लिया, 1 घंटा, मिनट में कितना मिला, पूरा का पूरा 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 में 1 घंटा चला गया तो 13 घंटा, 60, 30, 90 और 91 नीचे 7:43, 11 में 3 गए 8, 8 में 4 गए 4, 13 में 7 गए 6। इसका मतलब जो अमेरिका की घड़ी है वो भारत की घड़ी से 6 घंटे 48 मिनट ज़्यादा है। तो जब भारत में समय है, भारत में अभी कितना समय है, आप कहेंगे 8:17 AM, तो अमेरिका में क्या 6 घंटे ज़्यादा हो रहा होगा, तो अमेरिका में कितना होगा, तो अमेरिका में अभी समय आप कहेंगे सर 8:17 हो रहा है, इसी में आप जोड़ दीजिए 6 घंटे 48। भाई जैसे 8 बज रहे हैं अभी भारत में, और अगर अमेरिका की घड़ी 2 घंटे आगे है तो आप 8 में 2 जोड़ोगे ना, तभी तो वहाँ 10 बजेगा, तो वैसे ही इस टाइम में इसको जोड़ दीजिए, है ना। ये 8:17 AM है, आप समझ रहे हैं कि सुबह के 8 बज रहे हैं, 4 घंटे के बाद ही दोपहर आ जाएगी, मतलब जो समय आएगा वो PM में आएगा, ये गया, है ना, कहीं भी सोच लीजिए थोड़ा। जोड़ देते हैं 8, 7, 15, 4, 5 और 1, 6, 8, 6, 14। कभी आपने ऐसा समय तो देखा नहीं होगा, 14 घंटे 65 मिनट, 60 से ज़्यादा मिनट आते हैं तो हम घंटे में ले लेते हैं, तो 65 को आपने तोड़ा 60 + 5, ये 60 मिनट 1 घंटे हो गए, 1 घंटे इसमें आ गए तो कितना हो गए, 15 घंटे 5 मिनट। इसका मतलब आप समझते हैं 15:05 AM के बाद 6 घंटे के बाद ये PM में ही आ रहा होगा,
लिखने की जरूरत नहीं है कि 15 बता रहा है कि दोपहर का हो रहा है, 15:05 अगर घड़ी में क्या है तो हम क्या पढ़ते हैं 3:05 दोपहर के, तो ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, ठीक है। और ये कुछ नहीं, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ 15 है और ऑप्शन में 3 आ रहा है, 12 कम, तो जो हमने अपने मन से 12 जोड़ दिया था वही 12 बाद में घट जाता है, तो वही बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आइए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी रविवार को इलाहाबाद से चौदह सत्रह पर चली चली और दिल्ली सोमवार को 9:07 पर पहुंची। यात्रा में कितना समय लगा? ₹18:50, 5:53, 17:40 और 6:50। चलिए बताइए जल्दी से, आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं। चलिए देखें, फिर वही बात है, इस तरह के सवाल हमने कर लिए हैं तो हमारा थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ गया होगा। भाई रविवार को इलाहाबाद से गाड़ी 14:17, आप देखिए एएम और पीएम क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो घड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 24 घंटे वाली है ना। 14:17 का मतलब है कि दोपहर के 2:17 हो रहे हैं और दिल्ली सोमवार को 9:07 पर पहुंची है ना, इसका मतलब 9:07 सुबह को, इसका मतलब आप रविवार को इलाहाबाद से 2:17 दोपहर पे चल रहे हो और दिल्ली पहुंच जा रहे हो 9:07 पर सुबह, तो यात्रा में कितना समय लगा? तो भाई आपने यहाँ से यात्रा शुरू की है और यहाँ पर पहुंच गया, तो यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय कितना लगा भाई? 9:07 से मैं घटा देता हूँ 14:17, यही लगा। फिर यहाँ से ये घट नहीं पा रहा है तो मैं 12 कैरी ले लेता हूँ, तो 12 कैरी ले लिया तो ये कितना हो गया? 12:09:21 12:09:21 और ये 7, मैं घटाऊँ कितना? 14:17, अब भी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से 1 घंटा कैरी ले जाऊँगा, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर, तो 21 में 1 घंटा कैरी चला गया तो क्या गया 20 घंटे, और 60 और 7 67, मैं 14:17 घटा दिया तो 67 में 7 गए 0, 6 में 1 गए 5 और 20 में 14 गए 6, है ना। तो कितना आ गया? 6:50 है ना। अब यहां पर आपको ध्यान में देखना होगा,
6 घंटे 50 मिनट यहाँ पर भी है ना, आप इसे तुक्का मार देंगे। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपके अंदर आते नहीं हैं, ऐसे क्लोज ऑप्शन, लेकिन ये मैंने बनाए हैं कि थोड़ा सा आप सोचिए। आप बताइए कि 6 घंटे 50 मिनट है ना, नहीं। आप खुद सोचिए कि इलाहाबाद से दोपहर के 2:17 पे चली है रविवार को, और सोमवार को सुबह 9:07 पे चल रही है। तो आप कहेंगे सर दोपहर में 2:17 से, ये दोपहर का 2:17 है, इसमें जब 12 घंटे आप जोड़ेंगे तो आपको रात का 2:17 मिलेगा, और रात के 2:17 से आप अगर 7 घंटा जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मैंने कहा था ना 2:07, 9:17 सुबह का। भाई ये तो पीएम था, ये एएम हो गया, और ये भी क्या है? एएम। तो आप देख रहे हैं कि 12, 7, 19 घंटे बीतते हैं तो कितना हो गया है? 9:17, और चाहिए कितना? 9:07, मतलब 10 मिनट ज़्यादा है। 19 घंटों के बाद 10 मिनट ज़्यादा है, तो 10 मिनट घटा देंगे तो क्या आएगा? 18 घंटे 50 मिनट है ना। तो यही बात मैं समझाता हूँ कि जो 6:50 आपका आया है वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी आपने कैरी कितना लिया था? 12 घंटे। ये 24 घंटे वाली घड़ी थी, तो आप अगर डायरेक्टली यहाँ 24 लेते तब जाकर आपका जवाब सही आता, 18 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऐसे कर लीजिए, या एक तरीका और है, ठीक है। तो सवाल तो अच्छा नहीं था लेकिन ऑप्शन अच्छे थे, 6 घंटा 50 मिनट। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कितने लोगों ने 6 घंटे 50 मिनट टिक किया था, सही बताइएगा, क्योंकि उत्तर आते ही आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा कि यात्रा में 6 घंटे हैं कि तकरीबन ज़्यादा हैं, है ना। तो इस सवाल को कैसे करना चाहिए आपको? भाई 14:17 है, 9:07 से आपको घटाना है 14:17, ये 24 घंटे वाली घड़ी है, तो आप 24 ही जोड़ लीजिए। तो याद रखिएगा 24 9 33, 7 में से 14:17 घटाना है आपको, 1 घंटा इसको कैरी दे दो तो क्या हो जाएगा? 32 घंटे 67। तो देखिए यहाँ पर आ गया 50, 32 में 14 गए 18, अब सही आया 18 घंटे 50 मिनट। ठीक है, आपको अगर अब भी लगता है कि सर हम नहीं कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे? अपनी तार्किक शक्ति, कैसे? 14:17 है मतलब 2:17 दोपहर को रविवार का, है ना। तो सोमवार का जो 2:17 एएम आएगा वो कब आएगा? 12 घंटे बाद। फिर 2:17 सुबह है, तो सोमवार का 9:17 कब आएगा? तो आप कहेंगे 2 घंटा, यहाँ पर 9 आ गया, 7 घंटे बाद। इसका मतलब 12, 7, 19 घंटे बीत चुके हैं, और टाइम कितना आ गया? 9:17, लेकिन हमें निकालना क्या है? 9:07 तक ही, मतलब 10 मिनट ज़्यादा है, तो 10 मिनट इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 घंटे 50 मिनट, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं समझ पाते हैं कहाँ जोड़ें कहाँ घटाएं, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने लोगों ने 6 घंटे 50 मिनट टिक किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक 1:42 PM से 10 घंटे 49 मिनट पहले क्या समय था? ये सब सवाल अच्छे हैं, आप करके देखिए, ए सी बी और डी। आइए,
बताइए 1:42 PM मतलब 1:42 दोपहर का हो रहा है, उससे 10 घंटे 49 मिनट पहले क्या होगा? आप मुझे बताइए, दोपहर है उसके 10 घंटे पहले, 1:42 मतलब दोपहर हुए अभी 1:42 हुए, उसके पहले तो AM ही लगा था, तो 10 घंटे पहले जाएंगे तो AM ही आएगा, इसका मतलब PM वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। ये सोच का तरीका है कि आप ऐसे शुरुआत करिए। बाकी 1:42 PM से 10 घंटे 49 मिनट पहले क्या समय था? तो यही हमारा उत्तर है। वही है कि 1 में 10 नहीं जाएगा, 12 कैरी ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? 1:42 PM का मतलब है 12 घंटे वाली घड़ी है, 12 और 1 13 घंटे 42 मिनट से कितना घटाना है? 10 घंटे 49। अब भी मिनट नहीं जाएगा तो 1 घंटे कैरी लेंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा 13 में 1 घंटे का है 12 घंटे, 42 मिनट था 60 मिनट आ गया, 60 40 100, 102 मिनट से 10 घंटे 49 घटा रहे हैं, 102 में 49 घटाए, 12 में 9 गए 3, 9 में 4 गए 5, 12 में 10 गए 2, तो ये आ गया 2:53, है ना। और 2:53 जब मिल ही गया है तो फिर क्या चिंता करना AM और PM की, है ना। मैंने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं कि 2:53 AM और PM भी आप सोचें, लेकिन जब 2:53 ही आ गया है और वही आंकड़े में दिखाई दे रहा है तो क्या सोचना फिर, है ना। और हम समझते हैं कि PM था, PM से 10 घंटे पहले जा रहे हैं, दोपहर से 10 घंटे पहले, तो सुबह का ही हो रहा होगा 2:53 AM, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी। आइए अब थोड़ा सा प्रश्न को मैं बदल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2:20 और 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड हैं? चलिए बताइए, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। दो घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड हैं? जल्दी बताइए। अब यहां से हमने दूसरा टाइप पकड़ लिया है, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 के लिए कुछ चीजें हमें जाननी है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। आइए यहाँ पे तो आप जानते हैं, इसलिए सवाल को कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको सेकंड में बदलना होगा। एक घंटे में आप जानते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में क्या होता है 60 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि एक घंटे में क्या होगा, 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब 60 × 60 सेकंड, है ना, इसका मतलब 6×36600 सेकंड। अगर आपको नहीं पता था तो ये बात आप याद कर लीजिए कि एक घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड। यहाँ पर दो घंटे हैं तो दो घंटे में कितना होगा 3600 × 2, 3600 × 7200 सेकंड। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आप मुझे बताइए दो घंटे में ही 7200 सेकंड हो गए हैं और अभी और भी कैलकुलेट करना है, तो आंसर 7200 से ज़्यादा ही आएगा। क्या ये ऑप्शन 7200 से ज़्यादा है? क्या ये है? क्या ये है? नहीं, एक ही यहाँ पर है, तो हमारा उत्तर यही होगा। तो हम यहाँ पर समय बचा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में किसी प्रश्न पर जहाँ आप समय बचा सकते हैं वहाँ पर आप अपना दिमाग लगाइए, कैसे हम कम समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर नहीं बचाया जा सकता है, जहाँ पर सभी को समय लगना है, वहाँ पर हम बचा कर
क्या करेंगे, है ना। बाकी हम उत्तर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। तो 2 घंटे में 7200 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 × 60, 6 × 1200, है ना। और 53 सेकेंड तो है ही, तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, 7200 सेकेंड, 1200 सेकेंड और 53, कुल कितना है, वही आ गया 8453। तो यही हमारा क्या है, सही उत्तर, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान था आपके हिसाब से। अब टाइप नंबर 2 में प्रवेश करते हैं, कुछ चीज़ें आप सुन लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन। फिर आपसे मैं पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते, तो आप कहेंगे सर 24 घंटे। फिर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 60 मिनट। मैं आपसे कहूं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बताएंगे 60 सेकंड। इसके अलावा समय के लिए कोई भी इकाई अधिकतर आपके एग्जाम में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। सप्ताह से आया हुआ सवाल है, सप्ताह से सेकंड तक की जो दूरी है वो इस तरह से दिखाया सकते हैं हम। एक सप्ताह को आप डायरेक्टली सेकंड में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेकंड, एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं, एक सप्ताह में कितने सेकंड होते हैं, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक सप्ताह में कितने दिन, तो आप कहेंगे सर 7 दिन। और एक दिन में कितने घंटे, आप कहेंगे 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने, 60 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर एक क्रम बन जाता है, जैसे माप में बना था कि सप्ताह से हम दिन बता सकते हैं, दिन से हम घंटा बता सकते हैं, घंटा से हम मिनट के बारे में कह सकते हैं, और मिनट से हम सेकंड के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रम 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 से हम बता सकते हैं। सप्ताह से दिन में जाना है तो 7 से गुणा, क्योंकि सप्ताह बड़ी इकाई है, दिन छोटा है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बड़ी से छोटी इकाई पे आने पर गुणा 7 से। दिन से घंटों पे आना है तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, है ना। याद रखिएगा, अगर आप सेकंड से मिनट में जाएंगे, छोटी इकाई से बड़ी में, तो आपको फिर भाग देना होगा। एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट, तो मिनट से अगर घंटे में जाएंगे तो भाग होगा 60 से, और घंटे से अगर दिन में जाएंगे तो भाग होगा 24 से, और दिन से सप्ताह में जाएंगे तो भाग होगा 7 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग देना कंफर्टेबल नहीं है, मैं खुद नहीं करता हूँ, तो मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा कि सप्ताह से दिन परिवर्तित करना है 7 से गुणा, दिन से घंटे में आना है 24 से गुणा, घंटे से मिनट में आना है 60 से गुणा, और घंटे से मिनट में आना है तो 60 से गुणा। बस इस क्रम को याद रखिएगा, इसी पे आधारित कुछ सवाल हम करेंगे, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आइए, दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या से। पहला ऑप्शन है 6 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 4 घंटे, और चौथा ऑप्शन है 5 घंटे।
देखिए सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। मैं आपको कुछ नया इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि वो तरीका आपको अच्छा लगे और आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। हो सकता है थोड़ा टाइम आप यूटिलाइज ना कर पाएँ और काफ़ी डर जाएँ। इसलिए जो आपने पढ़ा है और मैंने जो मॉक टेस्ट में आपको करवाया है उसी को मैं दोहरा के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ, आप उसी के साथ बने रहें, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या 15 और 3 गुणे 5 बराबर है? आप कहेंगे हाँ सर, दुनिया जानती है। तो अगर ये दोनों ही आंकड़े बराबर हैं और 3 गुणे 5 को मैं 15 से भाग दूं या 15 को इससे भाग दूं तो 15 बटे में 3 गुणे 5 क्या कट के आ जाएगा? 1। ये आप समझ सकते हैं पूरा पूरा कट जाएगा। मैं कहूँ कि 45 लिख दूँ या 3 गुणे 5 गुणे 3 लिख दूँ, एक ही बात है। तो ये और ये अगर बराबर है तो 45 के नीचे अगर उसे लाऊंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, है ना। तो दो तीन तरीके हैं, या 15 दिनों में मिनटों की संख्या निकाल लूं मैं, जो भी एक संख्या आएगी, और हर चार ऑप्शन में 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 8 घंटों में सेकंडों की संख्या, 4 घंटों में सेकंडों की संख्या और 5 घंटों में सेकंडों की संख्या, वो निकालू जो संख्या का संख्यात्मक मान बराबर है वही मेरा उत्तर होगा। लेकिन ये विश्वास ना करिए, आप करके देखिएगा, ये बड़ा ही लंबा एक पैमाना बन जाएगा। हो सकता है आप घर पे बैठकर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी समय लगेगा एग्ज़ाम में तो और प्रेशर में रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से ही चेक करना है आपको, तो आप इस आंकड़े में इसका भाग दीजिए। किस्मत अच्छी है पहला ही ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, दूसरा मिल जाए तो अच्छी बात है, तीसरा मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर 3 नहीं मिलते हैं तो चौथा ही उत्तर होगा, इतना भरोसा होना चाहिए। तो आइए 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो भाई 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसी को पता नहीं होती है, दिन से पहले हम किस में आएंगे, घंटों में आएंगे। तो 15 दिन में कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में 15 गुणे 24 घंटे, घंटों से फिर मिनट में आएंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटों में बटे में, पहला ऑप्शन 6 घंटे है, तो 6 घंटों में कितना सेकंड, तो 6 घंटे से पहले जाऊंगा मिनट में, घंटे से मिनट में जाने के लिए 60 से गुणा, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से गुणा, 60 से 60 कट गया, 15 चौके 60, 6 चौके 24, पूरा का पूरा कट गया, कितना आ गया 1। तो जब पहला ही ऑप्शन मिल गया तो यही हमारा क्या होगा उत्तर, हमें और क्या चेक करना है ना, बाकी भी आप चेक करिएगा, कोई मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी एक सवाल था, अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो ये सवाल मैं लिख देता हूँ, इसके साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी ऐसी किस्मत नहीं रही तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, केवल समय के साथ आपको कोणों का बताना था वो बच गया है, तो इस सवाल को उतार लीजिए आप। 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह में मिनटों की संख्या, 60 दिनों में घंटों की संख्या
और 15 सप्ताह में घंटों की संख्या, तो इसका उत्तर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैंने आपको माप की दे दिया, समय की दे दिया, अब इसमें काफ़ी कुछ बचा है, टाइप नंबर 3 बचा हुआ है, और आगे आएगी आपके पैटर्न की वीडियो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगी। जितने मिसलिनियस क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ, उम्मीद करूँगा करा दूँ। आइए, हमारी टेक्निकल टीम ने जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है, तो आइए उसी सवाल से हम अपना शुरू करते हैं। 168 × 1008 125 बराबर है, यह चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। तो वही तरीका है कि ये अगर बराबर है इसके, तो ये बटे में ये क्या होगा, एक, ये बटे में ये एक होगा, मतलब जो पूरा पूरा कट जाए वही सवाल का सही जवाब होगा। तो आइए पहला ऑप्शन लेते हैं, 168 × 1008 × 125 अगर बराबर है 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो सप्ताह से पहले दिन में आएंगे, सप्ताह से दिन में आएंगे 7 से गुणा, हम दिन में आएंगे, दिन से घंटों में आएंगे, दिन से घंटों में आने के लिए 24 से गुणा, घंटों से मिनट में जाएंगे 60 से गुणा, मिनट से सेकंड में जाएंगे 60 से गुणा। बस अगर ये और ये बराबर है तो ये बटे में ये हमें क्या देगा, एक, पूरा पूरा कट जाएगा, 7 × 2 = 14 2 × 4 = 28 24 से पूरा 24 कट गया, 7 से काटते हैं 7 × 1 = 7 3 7 × 4 = 28 2 × 7 = 28 144 12 कवर होता है, 144 12 के 12 12 पंचे 7 12 से काटा 12 पंचे 7 है ना। अच्छा यहाँ पर 125 नहीं है, यहाँ पर सवाल में केवल 25 है, माफ कीजिएगा ये 25 है, ठीक है, तो 5 × 25 पूरा का पूरा कट गया है। ध्यान रहे यहाँ पर 168 × 1008 × 25 है, यहाँ पर 25, तो 25 और 5 × 25 कट जाएगा, तो जब पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया है तो हमें और क्या चेक करना है। फिलहाल ऐसे आपकी किस्मत तो अच्छी बात है, नहीं तो पहला नहीं इसी तरह आप दूसरा चेक करेंगे, दूसरा नहीं तीसरा चेक करेंगे, तीसरा नहीं तो चौथा करेंगे। एक के लिए मैं आपके लिए एक बी ऑप्शन भी चेक कर देता हूँ, जैसे इसी तरह से आपका उत्तर पहला ही ऑप्शन फंस जा रहा है, 168 × 1008 × 25 बटे में एक सप्ताह में मिनटों की संख्या, सप्ताह से पहले दिन में आऊंगा 7 से बड़ा, दिन से घंटों में जाऊंगा 24 से बड़ा, और घंटों से मिनट में जाऊंगा 60 से बड़ा, 7 × 4 = 24 4 × 5 = 25 5 × 12 = 2 3 × 12 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 × 8 = 4 ×
गया और फंस गया, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। तो ऐसे ही आप सी चेक करेंगे और डी भी चेक करेंगे, तो किस्मत वहां पर आपकी क्या है ना, इस बात पर डिपेंड करता है कितने ऑप्शन आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को कर सकते। नदी में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से
एक समय पर चलनी है। ये दोनों ही नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। यदि साढ़े तीन घंटों के पश्चात दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है, लेकिन ये कोई टाइम से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, रियल लाइफ में होने वाली घटना है जो मैथमेटिक्स रूप में थोड़ा सा थोड़ा बात करके हमें बताना है। तो सवाल को पढ़ के डरिए मत, कोई मैथ का सवाल आ गया है ऐसा कुछ नहीं, पढ़ा ही आसान सवाल। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। साढ़े तीन घंटों के पश्चात दोनों नाव के बीच दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ सवाल आप कर सकते। देखिए चाल को यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, चाल क्या होती है। जैसे यहाँ पर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में चली गई दूरी एक चाल कहलाती है। जैसे पहली जो नाव है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक घंटे में कितनी चलती है 20 किलोमीटर। तो साढ़े तीन घंटों के पश्चात ये कहाँ पहुंची होगी, तो साढ़े तीन एक घंटा में कितना चल रही है 20 किलोमीटर, तीन घंटों में कितनी चली होगी 20 हुए तीन कितना 60 किलोमीटर, एक घंटे में 20 किलोमीटर तो आधे घंटे में कितना चलेगी, आप कहेंगे एक घंटे में 20 तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं साढ़े तीन घंटा हो गया, साढ़े तीन घंटा में 60 10 70 किलोमीटर चलिएगी। जो मेरे की बात समझ में आपके आ रहा है। दूसरी जो है वो क्या है, जो 23 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितनी 23 किलोमीटर, तीन घंटा में कितना चलेगा ये 23 गुणे 3 मतलब 69 किलोमीटर, एक घंटे में 23 तो आधे घंटे में आधा कर लो 23 का आधा, 23 का आधा 11.5। यहां से इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, साढ़े तीन घंटा में कितना चला 69 और 11, 69 11 70.5 और 69 70 80.5 किलोमीटर। तो सवाल क्या है, सवाल तो इस तरह से है कि दो यहाँ पर दोनों है, पहली नाव और दूसरी नाव, ये भी इस दिशा में जा रही है, ये भी इस दिशा में जा रही है। तो जो पहली नाव है वो साढ़े तीन घंटा में कितना गई 70 किलोमीटर, मतलब ये गई यहाँ, ये है 70 किलोमीटर, और दूसरी वाली गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 80.5 किलोमीटर। तो ये पहली वाली है यहाँ पर पहुंची है, दूसरी वाली यहाँ पर पहुंची है, ये डिस्टेंस आपको बताना है कि ये कितना है। तो ये पूरा 80.5 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, तो ये जो अंतर है वो कितना है 80.5 माइनस 70, कितना आ गया 10.5 किलोमीटर। दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है 10.5 किलोमीटर। तो आपने देखा कहीं पर भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया जो आप नहीं जानते, तो बड़ा ही सरल सा बात था। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में ही आया वो सवाल है जो मैंने पूछा था। एक सवाल और
5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए ₹42 मिलते हैं। उसने सोमवार से शुक्रवार तक 540, B 637, C 660 और D 560। ये 4 इसके विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए ये भी सवाल हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि समय से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय कैलकुलेट करना पड़ेगा और जहां समय कैलकुलेट करना पड़ जाए वो समय के सवाल कहे जा सकते हैं। पहले देखना पड़ेगा 5:20 AM से
यहाँ पर पेन नहीं लगाना है, आपको पता है कि 5:20 एम से अगर मैं 4 घंटे आगे जाऊँ तो 5:20 से 6, 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, इसका मतलब 4 घंटे बाद क्या मिलेगा आपको 9:20 एम। लेकिन उसने काम कब बंद कर दिया, 9:10 एम पर, इसका मतलब 4 घंटे नहीं दे उसमें 20 मिनट तक नहीं पहुंचा, 10 मिनट में ही खत्म कर दिया था। मतलब 4 घंटे से 10 मिनट कम काम किया था, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 घंटे 50 मिनट। इसका मतलब बुधवार को जो काम किया है वो 3 घंटे 50 मिनट किया है, तो 3 घंटे 50 मिनट का निकालना है। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए तो वैसे कर करता है, ठीक है। तो बुधवार को जो काम हुआ वो 3 घंटे 50 मिनट हुआ, बुधवार की कमाई कितनी हुई भाई, घंटे 50 मिनट। देखिए एक कर लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए, अलग अलग बात है। मैं 3 घंटे ही पहले निकाल लेता हूँ, 1 घंटे की 42 रुपए, 3 घंटे का कितना मिला होगा, 3 में 42, 3 में 6, 3 चौके 126 रुपए। यहाँ 50 मिनट और काम करता हूँ, मैं अगर एक मजदूर हूँ 3 घंटे 50 मिनट में काम करता हूँ तो पहले मुझे तो मजदूरी मिले भाई 3 घंटे की मिलेगी कि भाई 3 घंटे का तुम्हें 26 रुपये, तो साहब 50 मिनट और मैंने काम किए थे, चलो ठीक है 50 मिनट और कर लियो। मैं जानता हूँ 1 घंटे का कितना है 42 रुपये, मतलब 60 मिनट का बनता है 42 रुपये, 1 मिनट का बनेगा 42 घंटे में 60, तो 50 मिनट का कितना बनेगा 42 घंटे में 60 × 50, 0 × 0 = 6 / 42, 7 × 5 = 35 रुपये, तो ये लो 35 रुपये दोनों को जोड़ दिया तो 6, 5, 11, 3 × 5 = 6 और 1 कितना आया 161 रुपये। तो जो बुधवार को कमाई हुई वो हुई 161 रुपये, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, अब भाई उसने गुरुवार को काम नहीं किया, गुरुवार को काम नहीं करेगा तो गुरुवार को पैसा मिलेगा नहीं, शुक्रवार को किया तो शुक्रवार की कमाई कितनी 220 मिनट, तो मैं जानता हूँ 60 मिनट का 42 रुपये, 1 मिनट का 42 घंटे में 60, 220 मिनट का 42 घंटे में 60 हुए 220, जिन्हें से शून्य कट गया 6 / 42, 7 × 14 = 15, इसका मतलब शुक्रवार को कमाई कितनी हुई 114। तो आपसे पूछा है कि भैया उसने कुल कितना कमाया है, कुल कमाई सोमवार का 189, मंगल का 133, बुधवार का 161, गुरुवार को काम नहीं हुआ, शुक्रवार को कितना 114, 9, 3, 12, 12 और 1, 13, 13 = 17, इसका मतलब अंतिम अंक क्या है 7, और 7 केवल एक ही ऑप्शन में दे रहे हमारा सही उत्तर होगा। हम क्यों आगे जाएं, क्यों अपना समय हम खुद जान बूझ कर वेस्ट करें, है ना, करना चाहिए 9, 3, 12, 13, 17, 7, 1 कैरी, 8, 3, 11, 11, 6, 17, 17, 5, 22 और 1, 23, 2 कैरी, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6 = 35 रुपये उसने कुल कमाया। अच्छा सवाल है, टाइम रिक्वायरमेंट है, आप कितने तेज हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, कितने अच्छे से कैलकुलेशन को देखिए उस पर बेस्ड है। तो इस तरह के सवाल मैंने लिए थे, अब आइए कोण की बात कर ली जाए। देखते हैं।
यहाँ पर टाइप नंबर हमारा तीन चलेगा, समय पर कौन गया, समय पर कौन याद करना,
लेंस हुई होती है वो वृत्त का एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 मिनट। तो एक मिनट में कितना चलेगी? 360 बटे में 6 × 36 = 6 अंश। हमें बताना है 12 मिनट, 12 मिनट में कितना कौन आएगी? 6 × 12 = 12। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आया था, आएगा तो यहाँ पर एक सवाल बनता है जो आपको पता होना चाहिए। अब किसी निश्चित समय पर कौन सा कोण बनना, ठीक है? तो ये दो सवाल आपको रहेंगे ऐसी भी नहीं।
बुधवार है आज, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आपके पास 3 दिन है और एक ही सवाल हर साल आया हुआ है, तो आप अपनी पूरी जितने 100% स्ट्रेंथ है पूरी एकदम लगा दीजिए। लास्ट में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करिए, अपने आप को थोड़ा आराम करिए, कम पढ़िए, ज़्यादा सोचिए, ठीक है, जितना आपके पास उतना पर्याप्त है, ठीक है। एग्जाम में आने वाला हर सवाल आपको कराया जा चुका है, तो आप कोशिश कीजिए कि आने वाले सवाल को आप बड़े ठंडे दिमाग से हैंडल करें, एक बार एग्जाम में प्रेशर आ गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। सवाल कैलकुलेशन पूछता है तो कैलकुलेशन को हैंडल करने के लिए आपका शांत होना बहुत जरूरी है, कंफर्टेबल आपको फील करना बहुत जरूरी है। तो इतनी सब इतनी उत्साह होने के साथ ये वीडियो मैं फिनिश कर रहा हूँ। मापन प्रणाली आपके पास आ गई है, समय आपके पास आ गई है, अब बस ये पैटर्न जो कि अब नेक्स्ट हमारी वीडियो चलिए।